नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हम राजनीति के पेचीदा खेल और को आसान भाषा में आपके सामने रखते हैं। आज का सवाल है बेनीवाल वर्सेस डोटासरा, कौन है असली शहंशाह, राजनीति के इस ड्रामे में असली खिलाड़ी कौन है और किसकी चालें सबसे भारी पड़ रही हैं? ये सब आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिए कि राजस्थान की राजनीति में असली बादशाहत किसके हाथ में, कौन पहनेगा जो है खिवसर का ताज और किसके हाथ में होगी राजस्थान की गद्दी। सबसे पहले बात करते हैं हनुमान बेनीवाल की। जी हां, बेनीवाल जो अपनी आरएलपी पार्टी के दम पर कई बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही कड़ी टक्कर दे चुके हैं। हाल ही में बेनीवाल ने एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लिए तैयार घूम रही है, वो तो मेरे पीछे घूम रही है पर मैं सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। भाई ये तो बड़ी बात है कि अभी डोटासरा ने साफ मना किया कि मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, पर बेनीवाल का कहना है कि वो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और टिकट का फैसला जनता करेगी, बंद कमरों में टिकट का फैसला नहीं होता। उनका यह भी कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां टिकट बांटने के खेल में फंसी रहती हैं, लेकिन आरएलपी में टिकट जनता के हाथों में होता है। अब ये बयान किस ओर इशारा कर रहा है? सीधा सीधा डोटासरा की कांग्रेस पर। जिस तरीके से डोटासरा का बयान आया, ये पलटवार भी माना जा सकता है। अब बात करते हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की। डोटासरा ने साफ कर दिया है कि राजस्थान के उपचुनाव में कांग्रेस किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी, यानी कांग्रेस पूरी ताकत से अकेले चुनाव लड़ेगी। ये बयान सीधे सीधे बेनीवाल के गठबंधन के जो है इनकार पर जवाब है। डोटासरा ने कहा कि इंडिया गठबंधन का मामला केंद्र स्तर पर है, राजस्थान के उपचुनाव में इसका कोई असर नहीं होगा। यानी अब ये साफ हो गया है कि डोटासरा यानी कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। अब यहां से खेल शुरू होता है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और हर पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। ये राज अभी राज ही है। डोटासरा की कांग्रेस और बेनीवाल के आरएलपी दोनों ही अपनी रणनीतियों में जुटी हुई हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस बिना गठबंधन जीत हासिल कर पाएगी और क्या बेनीवाल की ये चाल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि खिवसर और कुछ सीटों पर बेनीवाल का वर्चस्व है, वहां पर उनकी वोट संख्या बहुत ज्यादा है। बेनीवाल ने तो साफ कहा है, मैं बंद कमरों में बैठकर टिकट नहीं बांटता, जनता जिसे चाहेगी वही हमारा उम्मीदवार होगा। अब ये बयान सिर्फ कांग्रेस पर ही नहीं बीजेपी पर भी तंज था। आखिरकार दोनों पार्टियां अपने अपने में जो है टिकट बांटती हैं और इस बार बेनीवाल अपनी जनता जो है जनता के साथ खड़े हैं, जनता की राय मान रहे हैं और चुनावी मैदान में उतरने को भी तैयार है। वो जनता जैसा कहेगी वो वैसा ही करेंगे, ऐसा बेनीवाल का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ डोटासरा का कहना है कि कांग्रेस ने 7 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं और जल्द ही घोषणा हो जाएगी। पार्टी के हाईकमान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पर अंतिम मुहर लगाने, यानी कांग्रेस अपने ही पारंपरिक तरीके से, जिस तरीके से परंपरा होती है, टिकट बंटवारे पर भरोसा कर रही है। ये टिकट की लिस्ट शायद हाईकमान तक जाए, केंद्र में जाए, वहां से मुहर लग के आए, यहाँ पे अप्रूव हो जाए। तो दोस्तों असली सवाल ये है कि बेनीवाल और डोटासरा किस जो सियासी जंग है किसकी राजनीति में हिट साबित होगी। क्या बेनीवाल को जनता के बीच से उम्मीदवार निकालने की पॉलिसी रंग लाएगी या फिर डोटासरा की पुरानी कांग्रेस स्टाइल जीत का परचम लहराएगी? दोनों नेता अपने अपने दावों में मजबूत है, लेकिन असली फैसला तो जनता के हाथों में है। जनता को ही असली फैसला करना है कि आखिर किसको वो ताज पहनाएगी। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, कौन है असली शहंशाह, बेनीवाल या डोटासरा? क्या कांग्रेस अकेले चुनाव जीत पाएगी या बेनीवाल की रणनीति उन्हें मात दे देगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में।
जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिका इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।